Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Neha and I hope आप सभी अच्छे होंगे, healthy होंगे. एक second, कुछ missing लग रहा है, right? But क्या? एक second बताती हूँ. Okay, तो थोड़ा सा difference तो आप लोगों को दिखा होगा, right? Yes, you're right. Jewelry हमारी outfit को थोड़ा सा different बना देती है. जिस तरह इस jewelry ने थोड़ा सा मतलब मैंने इस बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी, लेकिन फिर भी इस आउटफिट को थोड़ा सा कंप्लीट करने के लिए हमें ज्वेलरी की आवश्यकता होती है. ज्वेलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो इसीलिए मैं आज बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल वाली ज्वेलरी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मीशो से. वो भी ज़्यादा नहीं है, 8-9 ही होंगी. जल्दी से बकवास ना करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, let me introduce you to the star of today's haul, the shimmering fusion set, jewelry set, and ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मुझे मिला है. इसको मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा, लेकिन हाँ इसको मैंने वैसे खोल के देख लिया था, लेकिन पूरा प्रॉपर इसको पहन कर नहीं देखा है कि कैसा लग रहा है, कैसे आ रहा है या नहीं. और ये ऐसे ही छोटे से बॉक्स में आया है, विच इज़ गुड. तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ. पैकेजिंग कुछ इस तरह की करी गई है, बबल रैप वाले पेपर में रैप की गई है इसको इस तरह से. एंड इसको मैंने ऐसे ही खोल के देख लिया था, तो ये कुछ इस तरह से मैंने देखी थी. और इसके साथ आया है मांग टीका. आई नो काफ़ी लोग मांग टीके के फ़ैन नहीं होते, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ मांग टीका. मुझे मांग टीका बहुत ज़्यादा पसंद है. ये है इयररिंग और ये है मेरा मांग टीका. ओ माई गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. ठीक है, मैं जल्दी से ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को. मच्छर, उफ उफ उफ, मच्छर मच्छर कहाँ से आ गए. ओ माई गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. आई मीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छे से शाइन कर रहा है. एंड इसमें जो पर्ल्स लगे हुए हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और वर्क बहुत अच्छे से किया गया है. एंड स्टोन्स ना कई बार वो अच्छी नहीं होती, फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, बट इस स्टोन की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे. बहुत ही ब्यूटीफुल है. और ऐसे वाले ना आप लोग ट्राई कर सकते हो. गणेश चतुर्थी आ रहा है, वहाँ पे आप पहन सकते हो. ट्रेडिशनल, कोई भी ट्रेडिशनल ओकेजन है या फिर कोई भी पार्टी वियर है या वेडिंग सीजन चल रहा है, वेडिंग फंक्शंस हैं, तो उसमें भी आप ये ट्राई कर सकते हो. ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेंगे. अब ओपन करते हैं हम अपना मांग टीका. ओ माई गॉड, ओ गॉड, ये बहुत सुंदर है. कितनी प्यारी चेन है इसकी. यार मुझे ना ऐसे वालों का ना थोड़ा टूटने का डर रहता है, क्योंकि मेरी एक ज्वेलरी थी जो सेम ऐसी थी, गोल्डन टाइप की, जो आलिया भट्ट टाइप की ज्वेलरी थी ना, वो उस टाइप की ही ज्वेलरी थी. एंड वो ना टूट गई जल्दी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है. तो मुझे क्वालिटी का नहीं पता कि कैसी है, टिकेगी या नहीं टिकेगी. इस टाइप के जितने भी आप कहीं से भी ले लो, इस टाइप की ना जल्दी से टिकते नहीं है, लेकिन हाँ सुंदर बड़े लगते हैं यार. आई होप कि ये टिक जाए. बाकी मेरा एक्सपीरियंस अभी तक एक दो में अच्छा नहीं रहा था, बट आई होप एंड आई विश कि ये रुक जाए, टिक जाए, काफ़ी टाइम चले. तो मैं ये लगा के दिखा देती हूँ. ओह गॉड, मुझे मांग टीका बहुत ज़्यादा पसंद है. ऑल्सो गाइज, ये टिप मैं आप लोगों को दूंगी कि मांग टीका को अगर आपको लगाना है ना, तो हमेशा डबल टेप के साथ ही लगाओ. उसमें फिर आप नाचो गाओ कुछ भी करो, ये हिलता नहीं है. हाँ, ज़्यादा स्वेटिंग आने के बाद वो जो डबल टेप की जो वो गम सी होती है ना, वो हट जाती है. तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि अपने साथ डबल टेप को लेकर चलो, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. लाइक इतनी बड़ी काट के ना अपने बैग में रख लो, और हो सके तो थोड़ा सा ना पाउडर भी रख लो, जो फेस पाउडर होता है, ताकि जो स्वेटिंग है ना वहाँ पर अपना लगाओ और वो जो स्वेट है वो सारा हट जाएगा. एंड उसके ऊपर डबल टेप लगाओ एंड फिर इसको ऐसे लगा के ना ऐसे एकदम ऐसे चिपकाओ, तो ये काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है. एंड ये रियल लाइफ में वर्क करता है ये हैक, क्योंकि काफ़ी सारे हैक है जो रियल लाइफ में यार काम करते ही नहीं है, लेकिन ये वाला मैंने रियल लाइफ में करके देखा हुआ है. ये पूरा सेट मुझे पड़ा है 248 रुपीज़ का. मतलब ठीक प्राइस है, इतना ही प्राइस आपको मार्केट में भी मिलेगा, या आपको 300 का ही सेट देंगे. अगर आप इयररिंग्स लेते हो तो वो आपको 200 या 250 में ही पड़ेगा, लेकिन ये पूरा मांग टीके के साथ आया है, तो बहुत ही अमेजिंग डील है. बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर. कुंदन की ज्वेलरी पहनना किसको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है. नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कुंदन की ज्वेलरी पहनना पसंद ना हो.
हो भी सकता है बट मैंने अपने आसपास तो ऐसा कोई नहीं देखा जिसको कुंदन की ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है, तो मैंने ये ऑर्डर करे हैं कुंदन के झुमके। इसको देखते हैं ये कैसे आए हैं, और ये भी आए हैं छोटू से बॉक्स में, इसको भी मैंने ऐसे ओपन करके नहीं देखा है, बाहर से ही देखा था, तो ये कुछ इस तरह की पैकेट में आए हैं। ओके यार ओके थोड़ा समझने दो ये इतने चिपके हुए क्यों है यार, ये क्या है, ये ठीक से सीधा भी नहीं हो रहा है बेचारा। ये तो हो गया सीधा, निकालते ही सीधा हो गया, ये वाला तो सीधा हो गया, लेकिन नेक्स्ट वाला देख लेते हो। शिट यार ये तो सीधा नहीं हुआ, फंसा हुआ है क्या, प्लीज प्लीज हो जा यार, नहीं हो रहा ये, मैं जुगाड़ू ही हूँ तो मैं इसको ठीक करके देख लेती हूँ, क्या पता मे भी ठीक हो जाए। तो इसकी मुंडी ना ऐसे अटकी हुई है, इसको सीधा करना है इसकी मुंडी को। हो तो गया बट ओके इसकी मुंडी सही हो गई, ओके हो गई। ओ गॉड सही में मेरे को ये डर लग रहा था, मुझे ना इसको ठीक करने में ये डर लग रहा था कि यार ये इतना ही पतली सी तार है तो ये कितनी टूट ना जाए, बट नहीं टूटी है, मैंने इसको खींचा बट फिर भी नहीं टूटी है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि यार हम मंगवाते हैं और पैसे दे के मंगवाते हैं यार, और इस तरह से आती है तो बुरा लगता है कभी कभी कि यार क्या पैसा वेस्ट, बट थैंक गॉड कि ये ठीक हो गई वरना मुझे ये रिटर्न करनी पड़ती। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसके बैक साइड में ये इतनी मोटी है तो आई डोंट नो कि मेरे आएगी या नहीं आएगी, तो मैं पहन के इसको दिखाती हूँ कि कैसी आएगी। ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये जो झुमका टाइप है ना, ये बहुत ही हल्का सा है और ये वाला थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि और इसका जो वर्क है ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बट मेरा ना थोड़ा सा मूड ऐसे ख़राब हो गया जब मैंने इसकी मुंडी ऐसे अटकी हुई देखी ना इसके ऊपर की तरफ, तो मेरा मूड सीरियसली बहुत ख़राब हो गया था। बट ठीक है यार शायद ऐसा होता रहता है, मतलब ठीक है। तो इसकी जो स्टोन है, ये इसकी जो डिटेलिंग है वो आई गेस आप लोगों को दिख रही हो, एंड ये काफ़ी अच्छी लग रही है सीरियसली। और ये जो नीचे ऐसे पर्ल्स हो रहे हैं ना छोटे छोटे, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बट ये वाला जो चीज़ है ना ये बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का, लाइक सीरियसली आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हल्का है, बट पता नहीं चल रहा है ऐसे देखने में ना, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये पकड़ने में ही पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ हल्की है। अगर ये नीचे वाला निकल भी जाएगा ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो भी अच्छा लगेगा आई गेस, बट शान तो इसी से ही बढ़ती है यार, झुमकों से ही ना। तो एज अ झुमका ये मुझे अच्छा लगा, बट अभी ये पहनने के बाद देखते हैं कैसा आता है। प्राइस है 187 रुपीज, अगर आपको अच्छा लगता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ले लेना, और नहीं अच्छा लगता डाउट है अभी भी तो कोई बात नहीं, रहने देना। नेक्स्ट है ये वाली रिंग जो कि स्टार और मून की है, मून एंड स्टार वाली है, और ये मैंने देखी थी, ये मुझे काफ़ी सही लगी थी, और ये कुछ इस तरह से है, बहुत ही लाइट वेट है इसका, और इसका जो इस पर जो पॉलिश हो रखी है गोल्ड की, इस पर गोल्ड की पॉलिश हो रखी है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। कभी भी आप ऐसे वेस्टर्न आउटफिट पहनते हैं एंड नाइट डेट पे जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है उसके लिए, एंड ये पूरा इस तरह से है, और ये जो स्टार बना हुआ है ना फ्लावर वाला, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसके साथ बना है मून, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसको पहन के दिखा देती हूँ, पहनने के बाद ही कुछ इस तरह का लग रहा है। पहले मैंने सोचा था नेल पेंट लगा के आपको दिखाऊंगी, बट अब मुझे बहुत ही आलस आ रहा है क्योंकि मेरा मूड सीरियसली ख़राब हो गया था थोड़ा कुंदन वाले झुमके को देख के, तो इसलिए फिर अब मेरा मन नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, और इसमें ना आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी रिंग, मतलब अपनी फिंगर के हिसाब से इस रिंग को एडजस्ट कर सकते हो, अगर छोटी है तो खोल सकते हो और बड़ी है तो और ज़्यादा ऐसे पास में ला सकते हैं, चांद को तारे के पास ला सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी रिंग है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एडजस्टेबल वाली है, स्टोन्स की इसकी डिटेलिंग है तो काफ़ी अच्छी लग रही है, आप अच्छे से देख लो। जो प्राइस है मैंने इसको लिया था 208 में, और अभी इसका रीसेंट प्राइस है 193 रुपीज़, तो इसके प्राइस गिर चुके हैं और आप ले सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही है तो। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी है, बट मुझे लगा ये थोड़ी सी महंगी है उस हिसाब से, रिंग के हिसाब से, बट ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी है ना कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारी ये स्क्रंची वाली, ये मेरे को दो मिली थी, स्क्रंची वाली वॉच है, और ये स्क्रंची में आई हैं, तो ये मुझे पिंक और टू का सेट मिला है, और देखते हैं कैसी आई है, मैंने ये देख चुकी हूँ पहले, बट आप लोगों के सामने दोबारा देखते हैं। इसके अंदर सेल लगे हुए हैं यार,
ये कुछ इस तरह की है, पिंक कलर की, और ये ऐसे स्क्रंची में है। इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और आगे से ये लगी हुई है। आई डोंट नो मैंने क्यों लिया है, मुझे नहीं पता। मैं इसको पहनने वाली हूँ भी या नहीं हूँ मुझे नहीं पता सीरियसली। ये कुछ इस तरह की है और ये मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं, पता नहीं। मे बी मैं और नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ये जो ऐसे निकल रहा है ना, मतलब स्क्रंची होती है ना, एक होती है बहुत अच्छी भी लगती है स्क्रंचीज, बट ये मुझे इतनी कुछ खास नहीं लग रही है। और इसके अंदर सेल भी डले हुए हैं। रात की बज रहे 2, ये सही टाइम दिखा रही है यार, टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा सही दिखा रही है, बट मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। और ये जो इसमें ये कलर है वॉच का, ये रोज गोल्ड वाला है, बट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ले सकते। सेम इसी के साथ मिली थी ब्लैक कलर की, आई डोंट नो ये अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, देखते हैं। ओके, ये वाली फिर भी ठीक लग रही है ब्लैक कलर की, बट बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं लग रही है। मैं बालों में ट्राई कर लूँगी, नहीं तो वापस भेज दूँगी, मुझे इतनी ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आ रही। लेकिन ये ब्लैक वाली थोड़ी सी मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि ये ब्लैक कलर है, अच्छी तो लग रही है देखने में, लेकिन पता नहीं मेरे हाथ पे अच्छी नहीं लग रही है क्या। ये ब्लैक वाली काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, पिंक वाली मुझे इतनी ज़्यादा कुछ इसे अच्छी नहीं लगी, लेकिन हाँ ये ब्लैक अच्छी लग रही है। तो ये आप अपने फ्रेंड्स को भी, एक अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दो, और ये वाली जो अच्छी लग रही है वो आप ले लो। तो ये वाली मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई, मैं इसको पहन के दिखाती हूँ, आप लोग डिफरेंस देखना और बताना। मुझे ये अच्छी लग रही है ज़्यादा, अरे मुझे ये भी ठीक लग रही है। मैंने इन दोनों को लिया था साथ में 214 में, लेकिन अभी इसका रिसेंट प्राइस है 203, यानी ये 200 की दोनों पड़ जाएंगे, 100-100 रुपए की हैं ये दोनों। नेक्स्ट है ये स्टार वाला ब्रेसलेट, जिसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह का बॉक्स आया है, एंड ये मैंने देख लिया ऑलरेडी, तो ये कुछ इस तरह का है। इसको खोल के जल्दी से दिखा देती हूँ। सब कुछ बेस्ट है इसका, देखो एडजस्ट करने वाला भी है, और नीचे ना ये पर्ल दिया हुआ है। इसका ये जो पर्ल है ना नीचे का, ये निकला हुआ है, तो ये निकला हुआ ही आया था और ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो या तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी, मतलब नए, मतलब रिटर्न करके ना इसकी जगह यही वाला सेम दूसरा पीस मंगवा लूंगी। लेकिन इसमें एडजस्ट करने के लिए अच्छा खासा दिया हुआ है, ये देखो अच्छा है ना। ये ऐसे स्टार्स है, और ये जो ऐसे मोती लटका हुआ है ना, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसमें भी, बट ये निकल चुका है। लेकिन मैंने ना इसके रिव्यू देखे थे, तो रिव्यू में जिन लोगों ने मंगवा रखा था ना, उनके काफ़ी सही पीसेस आए हैं। हो सकता है एक आधा जो खराब आ जाता है ना, तो मेरा वाला खराब वाले में आया है, जिसको मैं रिटर्न करके दोबारा मंगवाऊंगी तो आ जाएगा। तो नकली लग ही नहीं रहा है यार, ये इसकी जो डिटेलिंग है ना, आप डिटेलिंग्स देखो जी, इसमें कोई डर नहीं है कि इसका जल्दी से कलर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला जो ईविल आई वाला लिया हुआ था ना मैंने, इसका कलर, ये भी मैंने मीशो से लिया है, और इसका कलर मेरे को पहने हुए इसको ऑलमोस्ट आई गेस 1 महीना हो चुका है, मैं रेगुलर पहन रही हूँ, और इसका कलर बिल्कुल भी नहीं निकला है अभी तक। और इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। ईविल आई वाले में जो मोती लगे हुए हैं ना, ये अभी तक टिके हुए हैं, और भी बहुत ही अच्छे से टिके हुए हैं। सिर्फ इसमें दिक्कत आई है, जो ये मैंने नया वाला मंगवाया है ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम आई है। बट यार ये दोनों साथ में भी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना, हो सकता है मे बी कुछ टाइम बाद इसका कलर फेड हो जाए, लेकिन अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, इस वाले का प्राइस है 142 रुपीज़, इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, नेक्स्ट दिखाती हूँ। यार मतलब मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों नहीं थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता। नेक्स्ट है ये ग्रीन वाले, और ये बहुत ही सुंदर है, बट ये एक ईयर रिंग ना इसका निकला हुआ है। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मैंने इतने सारे मंगवाए हैं उसके बाद भी ऐसा हुआ है। ओह गॉड, ये दोनों के निकल गए, ये ऊपर की तो ऐसे रह गई, और ये नीचे के ना निकल गए हैं, दोनों स्टोन निकल गए हैं। तो मैं देख रही हूँ कि ये शायद ये खुले हुए हैं ना, तो हो सकता है मे बी एडजस्ट करने वाला हो। गाइस ये टूट गया, ये टूट ही गया, जिसमें डालना था ना वही टूट गया, तो वो कोई मतलब ही नहीं बनता। वरना ये इतनी प्यारी और इतनी सुंदर थी, तो मैं इसको रिटर्न ही कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए अभी। एंड इसकी जो बैक साइड वाली है ना, ये इसको देखो, ये पूरी टेढ़ी हो रखी है, टेढ़ा है बट मेरा नहीं है। नेक्स्ट है ये मल्टीपल ब्रेसलेट्स, जो सेट्स के साथ आए थे, 5 का सेट आएगा ये, तो मैं सारे सेट दिखाती हूँ। एक तो ये बैंगल टाइप मिल जाएगा, तो पत्ते टाइप का होता है ना, उस टाइप का कुछ ऐसे डिज़ाइन है। ये है ट्रायंगल शेप, बस इसका कलर ना जाए यार, बाकी तो सब सही होता है, बट कलर ना जाए इसका, क्योंकि 4 का सेट है, सॉरी। और एक है ये राउंड शेप में, जिसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, और काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ, इतनी देर से माइक गिरा हुआ था, और मुझे नहीं पता आप लोगों को आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी, तो सो सॉरी। मैंने फैन भी ऑन करा हुआ है, एसी भी ऑन करा हुआ है, और फिर सॉरी अगर आप लोगों को आवाज नहीं आ रही हो तो सॉरी।
अब मैं कुछ नहीं कर सकती यार, दोबारा वीडियो बनाने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है यार। ये देखो ये वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट क्योंकि ये फ्री साइज है तो ऐसे हो जाएगा, तो ये चीज मुझे तो सही नहीं लगी कि यार ये पूरा मिक्स हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे डिटेलिंग्स वगैरह दिखेंगी कैसे इनकी, मतलब सारे आपस में ही ऐसे भिड़ जाएंगे तो कैसे दिखेगी, कैसे पता चलेगा क्या क्या पहना है, तो ये पूरा उलझ भी सकता है, तो मुझे ये अलग अलग या तो अलग अलग पहनना पड़ेगा ये, या फिर पता नहीं। ऐसे भी अच्छा लग रहा है तो आप बताओ, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सेपरेट होना चाहिए था, इसका जो साइज, इसमें साइज होना चाहिए था बट इसमें साइज नहीं है, तो साइज की वजह से ही मेरे को ये शायद रिटर्न करना पड़े, बट मैं शायद इसको रिटर्न ना करूँ। और इसका जो वेट है ना वो भी काफी लाइट वेट है, क्योंकि ये जो बैंगल है ना इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो आई गेस ये ऐसे भी अच्छा लग सकता है, बट मुझे यहाँ चाहिए था यार। इसको मैंने लिया है 200 रुपीज में, तो मैं यहाँ पे प्राइस मेंशन कर दूंगी, 200 कुछ का ही है ये। वीडियो में इतना ही, जितने भी लिंक्स है वो आपको नीचे एक ही क्लिक में मिल जाएंगे, तो आपको एक ही लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।